हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, इसको ही मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले बनाने के लिए मैं इसे 4 फोल्ड करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड, अब सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी। तो मेरा है 42 इंच, ये देखिए फ्रेंड वहां पे। उसके बाद मैं यहाँ शोल्डर पे निशान लगाऊंगी। शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंच, ये देखिए, और यहाँ से भी 6.5 इंच का निशान लगा लूंगी। आर्मोल में ले रही हूँ 6 इंच, ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ से मैं ऐसे सीधी लाइन खींच लूंगी और इसे ऐसे गोला कर लूंगी। अब मैं गले पे निशान लगाऊंगी। तो गला में ले रही हूँ 4 इंच और गले की लंबाई में ले रही हूँ 3.5 इंच। अब मैं इसे ऐसे वहां से ऐसे गोला कर दूंगी। चेस्ट है 8 इंच और 2 इंच में लूंगी सिलाई के लिए। चेस्ट से 7 इंच नीचे कमर होती है, कमर से 7 इंच नीचे हिप होती है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8.5 इंच, ये देखिए, और 2 इंच में लूंगी सिलाई। ऐसे मैं लाइन खींच लूंगी। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10.5 इंच, ये देखिए, और ऐसे एक सीधी लाइन खींच लूंगी। ये फ्रेंड निशान मेरा लग चुका है, मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ओपन करने के बाद ये ऐसे दिख रहा है। मैं फ्रंट पार्ट को लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ कट करूंगी। मैं ले रही हूँ, ये देखिए, 1 इंच, और यहां से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच का। ये देखिए, और ऐसे एक तिरछी लाइन खींच लूंगी। और इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, कटने के बाद ये ऐसे दिख रहा है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। 1, 2, 3, 4। अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी। तो लेंथ में ले रही हूं 17 इंच। ये देखिए, और यहां पे मैं ले रही हूं 6.5 इंच। और यहां से मैंने लिया है 9 इंच। और इसे मैं ऐसे राउंड शेप दे दूंगी, ये देखिए, और इस लाइन को मैं ऐसे तिरछा से मिला दूंगी और इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पट्टी काट रखी है यहाँ पे लगाने के लिए। यहाँ पे ऐसे लगा के मैं सिलाई कर दूंगी। उसके बाद मैं पलट के अंदर से भी सिलाई कर दूंगी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे भी मैं ऐसे पकड़ के सिलाई कर दूंगी, इस वाले पार्ट को भी, और ये जो मेरा बैक पार्ट है, ये देखिए, यहाँ पे भी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे भी मोड़ के बना लिया है। और सेम इसी तरह मैं बैक नेक में भी, यहाँ ये देखिए, मैंने बना लिया है। और फ्रेंड, मैंने शोल्डर को भी ज्वाइन कर दिया है। और ये मेरे स्लीव्स हैं। मैं स्लीव्स को यहाँ पे, ये देखिए, साइड किनारे में मैं इसे मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं मोड़ के ऐसे सिलाई लगा लूंगी। सेम इसी तरह मैं दूसरे में भी सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद फ्रेंड, मैं स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी, यहाँ पे भी और वहां पे भी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे भी और वहां पे भी, और यहाँ पे मैंने सिलाई भी कर दी है। ये देखिए, ऐसे दोनों स्लीव्स में। तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड, आपका जितना फिटिंग है, आप अपने हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और स्लीव्स भी बना लिया है। अब मैं यहाँ मोड़ के बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसको मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे मोड़ के, एक सिलाई यहाँ पे, एक सिलाई वहां पे, नीचे भी बना लूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे। फिर उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे मैं ऐसे मोड़ के, यहाँ से लेके चारों तरफ इसको बना लूंगी। तो चलिए, हम इसे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ नीचे भी सिलाई लगा दी है, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। और ये मेरा बन चुका है। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने डोरी भी बना के लगा दी है और इसी कपड़े का लटकन है यहाँ पे, ये देखिए।
और फ्रेंड देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और इसे बनाना भी बहुत इजी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको मेरा एड्रेस कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।